चंदा जी उधर नहीं इधर। आइए राम राम छगन जी। राम राम सूरज बेटा, कैसे हैं? कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हो? जा रहे थे, इसे वोट डालने आए थे। अरे तो फिर बच्चों के लिए ये ताजी ताजी बालूशाही लेके जाइए ना, अभी अभी बनाई। तो 1 किलो बंधवा दीजिए जी। एकदम नरम और बढ़िया बनी है आज। ठीक। आप यहाँ सिर्फ मिठाइयाँ बेचने आए हैं? जी और क्यों आऊंगा, आपको पता है चुनाव वाले दिन यहाँ पे धंधा दुगना होता है। और फिर ये जो प्रचार करने वाले होते हैं ये भी कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। यहाँ पे जो भी वोट डालने आता है वो हमारी दुकान से कुछ ना खरीदे ये हो ही नहीं सकता। कैसे सूरज में? बहुत बढ़िया जी। अरे पपूड़ा, एक जलेबी और लड्डू का थाल लेके आ जल्दी। लाया सूरज भैया। हाँ जल्दी आ। अरे सूरज भाई, तुम्हारी दुकान ढूंढ रहा था भाई। ये 1/2 किलो गुलाब जामुन दे दो। एक बात बताऊं, तारे दुकान के सिवा किसी और दुकान से मिठाई लेता हूं ना, बच्चे हाथ ही नहीं लगाते, पड़े पड़े सड़ जाते हैं। हाँ जी, बस भगवान इनमें प्यार डलवा देता है और इन्हीं से इनका स्वाद अलग हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। भाई साहब, ये आपकी कोई जरूरी चीज छूट गई है। क्या हुआ भाई? लगता है कोई बैंक का जरूरी कार्ड है। अरे भाई, ये बैंक का कार्ड नहीं है, वोटिंग कार्ड है। तुमने अपना वोटिंग कार्ड नहीं बनवाया? नहीं नहीं भाई साहब, जिस गांव जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों पूछूं? पर वैसे भी मैंने जिंदगी में कभी कभी वोट नहीं डाला। आयुष्मान भाव सत्संग बढ़िया होगा ना, मन में एकदम शांति मिल गई। हाँ दैसा, सच्चाई मन में एकदम शांति मिल गई। संतुड़ी, अब सूरज का बाबू सा दिखाई ना दे रहा, अब भी तो अठे ही बैठा था तेरे पास सत्संग में। अरे वो बैठा के संतुड़ी, अठा भी सो रहा है। सुनो बहुत बढ़िया बाबा जी, बहुत बढ़िया। के बात कही है, जन्म सफल हो गए मारो। संतोष क्या हुआ, प्रवचन नहीं सुन रही? के प्रवचन हो चुके, पर आपने आपके 7 जन्मों की नींद से फुर्सत मिले तब तो आनंद लो सत्संग का। देख मैं सो नहीं रहा था। अरे 33 कोटी देवी देवता घूम रहे थे मारी आंखों के सामने। मिस तो ना गए थे ना भीड़ में? अब बातें बनाना बंद करते हो। थाने थारी जन्म देने वाली इतना ना जानती
जितना मैं जानती हूँ। चलो अब उठो अठे से, चलो। शिवो, आज आपका मेरे साथ यूं यहां आना और मेरी मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे भाई, ये काजू की बर्फी कैसे थी? ये 450 रुपये। और ये गुलाब जामुन? ये 150। और हाँ, ये बालूशाही कैसे थी? ये 180। एक काम करो, आधा किलो काजू बर्फी, एक किलो गुलाब जामुन और ये एक किलो बालूशाही दे दो। जी। ये लीजिए आपके 575 रुपये। जी नहीं, 555 रुपये। 55? जी, आधा किलो काजू कतली 225 रुपये, एक किलो गुलाब जामुन 150 रुपये और ये एक किलो बालूशाही हुई 180 रुपये, तो कुल मिला के हुए 555 रुपये। शुक्रिया जी, और आपकी ईमानदारी की मैं तारीफ करूंगा। आप तो गणित में बहुत तेज निकली, कैसे फटाफट सारा हिसाब किताब मिनटों में लगा दिया। जी, पता है आप जब आज हिसाब किताब कर रही थी तो एक टाइम के लिए मैं भूल ही गया था कि आप सातवीं पास है। वैसे एक बात तो मैं समझ गया हूँ, भले ही आप सातवीं पास हैं लेकिन आपका दिमाग बहुत तेज है, जरूर आप पढ़ाई में बहुत होशियार रही होंगी। वैसे आपने पढ़ाई आगे क्यों नहीं की? अरे उदास ना होइएगा, अब होता है, हो सकता है माता पिता की आगे पढ़ाने की मर्जी ना रही हो। वैसे ये भी अच्छा ही हुआ कि आप ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और अगर ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो हमारी जोड़ी कैसे बनती।